नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आप लोग 2022 में अपने 10th क्लास का अगर रोल नंबर आपको पता करना है तो आप कैसे पता कर सकते हो अपने नाम से। और दोस्तों यहां पर 10th का तो बताऊंगा ही बताऊंगा, प्लस यहां पर आपको 12th का भी बताऊंगा कि आप अपने 12th का कैसे चेक कर सकते हो। तो दोस्तों इसके लिए आपको करना क्या होगा, यहाँ पर जैसे कि आप ये मेरा वीडियो देख रहे होगे, यहाँ पर एक वेबसाइट लिंक मिलेगा, इस लिंक पर क्लिक कर देना। जैसे लिंक पर क्लिक करोगे आपके सामने यहाँ पर जो कि कुछ इस तरीके से ये वेबसाइट ओपन होगी। यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, फिर ये लोड होगा, फिर ये कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आ जाना होगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो मैं नीचे की तरफ आ जाता हूँ स्क्रॉल करके। और यहाँ पर आपको ये जो है कि इस तरीके से ओपन वेबसाइट के नाम से जो है कि एक बटन मिलता है, यहाँ पर वेबसाइट ओपन पे क्लिक करना, फिर आपको थोड़ी देर वेट करना होगा। तो दोस्तों जैसे ये टाइमर खत्म होता है फिर आपको यहाँ पर वेबसाइट ओपन पे क्लिक करना, फिर ये कुछ इस तरीके से पेज आएगा। अब आपको 3 डॉट पे क्लिक करके इसको यहाँ पे डेस्कटॉप साइड कर लेना है, और फिर यहाँ पर आपको जो है कि हाई स्कूल सिलेक्ट करके रखना, वैसे ही बाय डिफॉल्ट हाई स्कूल ही रहेगा तो आपको यहाँ पर हाई स्कूल ही इसको रखना होगा। और उसके बाद यहाँ पर परीक्षा वर्ष आप देख सकते हो, तो जैसे कि 2020 शो कर रहा है तो यहाँ पर जो है कि 2020 ही शो करेगा, क्योंकि इस वेबसाइट को अपडेट नहीं किया गया, इसलिए यहाँ पर 2020 ही रहने देना है। और दोस्तों जब आप यहाँ पर चेक करने आओगे तो हो सकता है कि आप ये मेरा वीडियो 1 महीने बाद या 2 महीने बाद देख रहे हो और उस समय जो कि इसको अपडेट कर दिया गया हो, तो इसलिए आपको एक बार इस पर क्लिक करके देख लेना है। अगर यहाँ पर 2022 का ऑप्शन मिलता है तो उसको सिलेक्ट कर लेना है, अगर नहीं मिलता तो उसको छोड़ देना है। जनपद पे आपको क्लिक करना है और उसके सामने आप देखोगे यहां पे लिखा हुआ है सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, तो अब आपको यहां पर अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना होगा, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट हो वो आपको यहां पे अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना होगा। फॉर एग्जांपल यहां पर जो कि मेरा अभी हरदोई है तो यहां पर मैं हरदोई अपना सिलेक्ट कर लेता हूं। आपका जो भी हो डिस्ट्रिक्ट वो आप यहां पर अपना सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। यहां पर मैंने हरदोई सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर आपको विद्यालय आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, अपना स्कूल जो भी आपका स्कूल है वो आप यहाँ पे स्कूल अपना सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो है कि मैं एक स्कूल सिलेक्ट कर लेता हूँ, और उसके बाद यहाँ पर जो है कि आपको अपना नाम लिख देना है, या फिर आप अपने दोस्त का पता कर रहे हो, ठीक है। तो अगर आपको उसका जो कि नाम पूरा नहीं पता है कि उसका पूरा नाम क्या है, तो आप यहाँ पर उसका जो कि नाम स्टार्ट जो होता है उसके आप 2 लेटर यहाँ पर लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं KA लिख देता हूँ कुछ इस तरीके से। और उसके बाद यहाँ पर अगर आप इसके आगे कुछ और भी लिखना चाहो, अगर 3 लेटर लिखना है तो आप 3 भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं सिर्फ आपको 2 ही लिखना है। और उसके बाद यहाँ पर आपको सर्च स्टूडेंट पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो लिस्ट आ जाएगी, और यहाँ पर कि आपको रजिस्ट्रेशन नंबर देखने के लिए मिल जाएगा, और प्लस यहां पर आप देख सकते हो रोल नंबर आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाता है, कैंडिडेट का नाम देखने के लिए मिल जाएगा, यानी जो स्टूडेंट रहेगा उसका नाम यहां पर देखने के लिए मिल जाएगा, और उसके मम्मी का नाम यहां पर देखने के लिए मिलेगा, फादर का यहां पर देखने के लिए मिल जाएगा, और जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहां पर देखने के लिए मिल जाते हैं। तो इन तीनों चीजों से मैच कर लेना, और उसके बाद यहां पर जो कि आपको रोल नंबर कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिल जाता है। तो दोस्तों इसी तरीके से आप जो कि यहां पर 12th का भी चेक कर सकते हो। 12th का चेक करने के लिए आपको यहां पर हाई स्कूल के ऊपर क्लिक करना होगा, और आप देखते हो यहां पर इंटर इंटरमीडिएट सिलेक्ट है, इस पे आपको इसको सिलेक्ट कर लेना होगा इंटरमीडिएट को। उसके बाद आपको फिर से सर्च स्टूडेंट पे क्लिक करना होगा, और फिर यहां पर जो आप डिटेल डालोगे उसके हिसाब से फिर यहां पर लिस्ट आ जाएगी। जैसे कि अभी जो डिटेल थी वो मैंने हाई स्कूल की डाली थी, बट यहां पर जब मैंने इंटरमीडिएट सिलेक्ट किया तो यहां पर अभी आप देख सकते हो 0 स्टूडेंट फाउंड कर रहा है, क्योंकि यहां पर इस डिटेल से अभी जो है कि 12th क्लास में कोई भी नहीं है। तो दोस्तों यहां पर अभी जैसे मैंने आपको बता दिया लाइव चेक करके कि आप किस तरीके से अपने 10th या फिर 12th का जो कि रोल नंबर पता कर सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। और दोस्तों अगर आपको यहां पर जो कि कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मेरे इंस्टाग्राम आईडी का।